अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे आर ओ एल। आर ओ एल स्टैंड फॉर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, द रेशियो ऑफ योर नेट प्रॉफिट टू योर कॉस्ट। ये जो है हमारे रेशियो होती है नेट प्रॉफिट की और हमारे कॉस्ट की। आर ओ एल वही रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स होती हैं। पॉजिटिव आर ओ एल इज एसेंशियल टू स्केल योर एडवर्टाइजमेंट्स। जो पॉजिटिव आर ओ एल होती हैं वो हमारे पास सिग्नल होती हैं कि हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट मतलब अच्छी करें अपने एडवर्टाइजमेंट्स को। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का फार्मूला जो है वो ये गिवन है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स। यहाँ पर हम लोग $300 ले लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। कॉस्ट ऑफ गुड्स है, उसके बाद हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स $200 ले लेते हैं, तो हमारे पास $50 आर ओ एल आर ओ आई। इनफैक्ट सॉरी अगर मैंने पीछे बोली क्या हो, इस आर ओ आई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। एवरी $1 अगर हर $1 रिटर्न करता है $1.5 मतलब प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट। और आइडेंटिफाई आर ओ आई और मैयर कन्वर्जेंस जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। और कॉन्स्टेंटली इवेल्यूएट योर आर ओ आई, आपको उसको आर ओ आई को कॉन्स्टेंटली इवेल्यूएट करना होता है। द वैल्यू ऑफ ईच कन्वर्जन शुड बी ग्रेटर देन द स्पेंड। आपकी हर कन्वर्जन की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए जो हमने स्पेंड कर दिया है उससे।